हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम राउल्स लॉ पढ़ेंगे कि राउल्स लॉ क्या होता है और आपको कैसे बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेशन लिखनी है राउल्स लॉ की। आइए राउल्स लॉ, सबसे पहले एक लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप पहले ऐसे हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से राउल्स लॉ, फिर ब्लू से एक लाइन छोड़ के नीचे से स्टार्ट करें। क्या? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पूरा लिखना भी राउल्स, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर। गाइज, राउल्स लॉ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ठीक है, बेस्ट डेफिनेशन है, कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। अब समझना, हम कहते हैं कि एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। आ जाओ बताता हूं कैसे, क्या मतलब निकलते हैं वर्डिंग्स के। द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, नोट दिस टर्म, वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। फिनिश, खत्म। ये डेफिनेशन है राउल्स लॉ की। आज मैं समझाता हूं। देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो सॉल्यूशन है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं। एक वो कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं आपस सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। जैसे आपने पानी के अंदर डाल दी सुगर, ठीक है, सुक्रोज, तो आपका सॉल्वेंट हो गया वॉटर, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लेते हो आप जब भी सिकंजी बनाते हो। सोल्यूट सुगर, कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है। अब सोल्वेंट के लिए मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा ए, और सोल्यूट के लिए टर्म इस्तेमाल करूंगा बी, ठीक है। इन दोनों से क्या बन गया? सोल्यूशन। डिजोल्व कर दिया मैंने सुगर को पानी में, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। या आप कोई भी सोल्यूट ले लीजिए किसी सोलवेंट में, बस दो ही कंपोनेंट लेने आपको एक बार, ठीक है, वो क्या बन जाता है? सोल्यूशन। अब What is partial vapor pressure? Partial vapor pressure का मतलब है, देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने बोला प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना है सॉल्यूशन, तो इसका भी प्रेशर होगा और इसका भी प्रेशर होगा। तो इंडिविजुअल दो जो कंपोनेंट है उसका जो भी प्रेशर है, एक पार्टिकुलर बंदे का क्या योगदान है टोटल में, उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मैंने बोल दिया पी ए, इसका जो भी वेपर प्रेशर है। ऐसे ही व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी बी, तो पी बी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को ऐड कर दो। अब जो ये वेपर प्रेशर ऐड हुए हैं इंडिविजुअली, इन्हीं के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं क्या? पार्शियल। मतलब मान लो आप लोग तीन जन हैं, ठीक है, अब आप किसी भी, या आप पार्टी कर रहे हैं, तो आप तीनों का इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है और जो नेट अमाउंट है जो आपको पे करनी है, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा इसे हम बोलेंगे पार्शियल, ठीक है, ये ध्यान रख ले। अब इंडिविजुअल्स को जोड़ दोगे तो टोटल बन जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। यहां तक क्लियर हुआ? ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। अब ध्यान रखना, ये वोलेटाइल का मतलब क्या है? इनमें से वो कंपोनेंट जो वेपर बना ले, जिसके वेपर्स बनेंगे वो कंपोनेंट कहलाता है वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि जिसके वेपर नहीं बने वो क्या बन गया? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। यानी राउल्स लॉ क्या कह रहा है? पहले ही कह रहा है भाई मैं वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए तो लगूंगा, नॉन वोलेटाइल के लिए नहीं। समझ गए? इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर, यानी ये जो पी ए है पार्शियल प्रेशर ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एक्स से, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अभी मोल फ्रैक्शन क्या होता है ध्यान दो भाई, मोल फ्रैक्शन, आप किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ले लो, बाई में कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा सॉल्यूशन में जो भी है। मान लो मैं सॉल्वेंट का यहां पे चाहता हूं क्या,
मोल फ्रैक्शन। तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स में सोलवेंट के लूंगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सोलवेंट प्लस सोल्यूट, यानी सोल्यूशन के ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दूंगा, आ गया मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रही है? तो मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैंने लिख दिया सोलवेंट के लिए, लिख दिया मैंने एक्स ए, ठीक है। अगर सोल्यूट का लिखू तो क्या हो गया, एक्स बी दैट इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एन बी मतलब बी जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो सोल्यूट के लिए कर रहे हैं, यानी ये है सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स और एन बी क्या होंगे, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऐसे ही अगर पी बी पार्शियल प्रेशर है, ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब डायरेक्टली को हटाएंगे और आप इक्वल लगाना चाहते हो तो कोई कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा, तो यही पी ए इक्वल हो जाएगा किसके, हम कहते हैं पी नोट ए इंटू एक्स ए। वेयर व्हाट इज पी नोट ए, पी नोट ए इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। अब ए कौन है, सोलवेंट, तो सोलवेंट का यानी जब अकेला सोलवेंट हो, मैं इसको हीट कर दूं और इसके वेपर प्रेशर लगाने लग जाए तो मैं उसे क्या कहूंगा, प्योर वेपर प्रेशर। अकेले कंपोनेंट का प्योर तभी कहलाएगा जब कोई दूसरा ना हो, जब आप अकेले हैं खुश हैं तो आप हैं प्योर, कोई दूसरा बंदा मिक्स हो गया तो आप बन जाएंगे इम्प्योर। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल। तो पी नॉट ए इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट यहां पे, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी बात करूं तो पी बी इक्वल हो जाएगा किसके, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दैट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर आपको कह दूं मैं सॉल्यूशन का बताओ क्या होगा, तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, सिंपल। तो फॉर ए सॉल्यूशन हैविंग बोथ द कंपोनेंट वोलेटाइल, अगर ये दोनों वोलेटाइल है यानी दोनों कंपोनेंट वेपर बना रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए भाई, ये आपका है अगर दोनों, अब राउल्ट्स लॉ आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट हो दोनों उसके लिए, और या सोल्यूट क्या हो नॉन वोलेटाइल। देखिए जनरली आपको वॉटर मिलेगा, वॉटर वोलेटाइल होता है, बात हो गई किस बात रही किसकी, सोल्यूट की। अब सोल्यूट जो है ये वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, तो दो तरीके से आप राउल्ट्स लॉ को बताएंगे, फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स यानी सोलवेंट और सोल्यूट दोनों वोलेटाइल है, फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड उसमें आप समझ लीजिएगा कि जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। सोल्यूट जनरली आपको क्या मिलेगा, वोलेटाइल। तो क्या हुआ भाई, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब समझने वाली बात यह है कि जो ये सोल्यूट है ये आपको जनरली देते हैं सुगर, चीनी, और जो सोल्यूट चीनी है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, ये वेपर प्रेशर नहीं बनाते। यानी कि इंडिविजुअली अगर मैं ग्लूकोज ले लूं और ग्लूकोज का वेपर प्रेशर देखना चाहूं तो ग्लूकोज वेपर नहीं बनाती है, समझ पा रहे हो। ऐसे ही सुक्रोज का वेपर प्रेशर नहीं होता, ऐसे ही यूरिया का वेपर प्रेशर नहीं बनता, ठीक है। अब अगर इनका वेपर प्रेशर नहीं है इंडिविजुअली तो सोल्यूट का तो खत्म ही हो गया, खत्म, समझ पा रहे हो। तो क्या बच गया, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा उस टाइम पे, पी नोट ए इंटू एक्स, ये कितना हो गया, जीरो। यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा किसमें, इन केस ऑफ अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसके, और दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसके, और यहीं से आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हो, समझ पा रहे हैं। और जनरली ये ध्यान दीजिए भाई, क्या यहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था तो क्या प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों, मोल फ्रैक्शन बदल जाएगा ना भाई सोल्यूट होने के कारण, इसलिए। और ये ध्यान रख लेना, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन का सम होता है कितना, वन, ठीक है। यहां से यह कन्फर्म हो गया कि जो एक्स बी होगा वो वन माइनस एक्स ए आएगा, या जो एक्स ए होगा ये वन माइनस एक्स बी के इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। यहां से क्या बात निकलती है कि एक से छोटा होगा एक्स ए, अगर एक से छोटा हुआ एक्स ए
तो पी नोट ए के बराबर नहीं हो सकता प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जैसे ही आपने सोल्यूट डाल दिया तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो कम हो गया, ये भी साबित हो गई राउल्ट्सला ने बोल दी बात। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो यहां से भी साबित हो जाती है फ्रॉम राउल्ट्सला। समझ पा रहे हो रहा है ना वेपर प्रेशर का? तो आप राउल्ट्सला से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ओके। अब बात आ जाती है भी आप लिखेंगे कैसे, तो राउल्ट्सला की डेफिनेशन लिखना फिर बता देना। सोलवेंट सोल्यूट PS प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, PB पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ लिखेंगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, P नॉट A बोल देंगे वापस क्या है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये बताएंगे, P नॉट B क्या है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ये बताएंगे, फिर इनका दिखा देंगे सब। ऐसे दिखाना है, दो या तीन नंबर में क्वेश्चन आएगा, दैट्स ऑल। दो नंबर में डेफिनेशन, उसके बाद इतना सा दिखा देना यार, बता देना कि दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तो ये लगेगा, अगर एक कंपोनेंट सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो ये लगेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एग्जांपल है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है। अब बात यहां पे आती है, ये जो वेपर प्रेशर टर्म दी है, वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं ये और समझ लो भाई, एनसीईआरटी लाइन का महत्व, वर्डिंग्स का महत्व देख लो क्या है। वेपर प्रेशर क्या कहना चाहता है, वेपर प्रेशर का मतलब होता है, देखो आपके पास एक लिक्विड है, सिंपली ये वेसल है, इसे मैंने लिक्विड ले लिया और आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, ऊपर से आप इसको करेंगे क्लोज, क्लोज वेसल में हीट करेंगे लिक्विड को जो वोलेटाइल लिक्विड है। अब ये लिक्विड क्या बनाएगा, अपने वेपर्स बनाएगा, ठीक है ना, और ये वेपर्स यहां पे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। और क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जितने वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड से उतने ही जो ये ऊपर वेपर इकट्ठे हो रहे हैं इनसे वापस क्या बनना शुरू कर हो जाएगा भाई, लिक्विड। यानी लिक्विड से पहले बन रही है वेपर्स, फिर ऐसा समय आ जाएगा वापस वेपर से क्या बनने लग जाएंगे, लिक्विड। और वो कहानी जब लिक्विड से जितने वेपर बन रहे हैं और वेपर से जितने लिक्विड बन रहे हैं दोनों बराबर हो जाए, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उस टाइम का जो प्रेशर होता है ना वो कहलाता है वेपर प्रेशर। ऐसा नहीं किसी भी टाइम में हम कहते हैं वेपर प्रेशर, मान लो एक वेसल है इसको थोड़ा सा हीट किया आपने, लिक्विड ने वेपर बनना स्टार्ट कर दी, वेपर प्रेशर बोलेंगे उसको, नहीं। व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है लिक्विड से वेपर बन रही है जितने टाइम में, रेट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब है वेपर से वापस लिक्विड बन रहे हैं जितने टाइम में, दोनों टाइम बराबर होंगे, दोनों टाइम की रेट क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों रेट्स क्या होंगी, इक्वल, सिंपली, ठीक है। ये था भाई राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आएंगे यहां से, ये ध्यान रख लेना, एक्स भी निकालना आना चाहिए आपको, एक्स से निकालना आना चाहिए, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। अब एक से ज्यादा कंपोनेंट होते तो ऐसे ही आप फर्दर कंटिन्यू बढ़ा सकते थे, पीसी मान लो ए बी सी होता तो ए बी और सी तीनों के पार्शियल प्रेशर जोड़ दो, प्रेशर सॉल्यूशन आ जाता। ऐसे इसका होता क्या, पी नोट सी इंटू एक्स सी, ध्यान रखिएगा जितने भी कंपोनेंट हो इनके मोल फ्रैक्शन का सम तो वन ही होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ, होप सो गाइस आपको राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया, ऐसे आप अपने एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, इसको लिख के आएंगे अच्छे से और न्यूमेरिकल्स आप जरूर निकालेंगे, ओके अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।